सब्सक्राइब कीजिए टीचर एजुकेशन चैनल को और साथ ही दबाइए बेल आइकन को एजुकेशन संबंधित वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। गुड इवनिंग दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल टीचर एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने 504 ऑल स्वयं एमसीक्यू टेस्ट के बारे में पढ़ा था, उसका पार्ट वन हम लोगों ने बनाया था, जिसको आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया है और आप ही लोगों ने डिमांड किया कि सर इसका पार्ट टू भी बनाए, चूँकि इसमें जो है 65 से 70 क्वेश्चन थे सारे स्वयं 504 एमसीक्यू टेस्ट के, और उसमें जो है पिछली वीडियो में हम लोगों ने 35 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया था। आज 36 क्वेश्चन से हम लोग शुरू करेंगे, तो बिना देर किए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं और 504 ऑल स्वयं एमसीक्यू टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये स्क्रीन पे वो पीडीएफ फाइल है जिसमें 504 के सारे स्वयं एमसीक्यू टेस्ट हैं। दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने 1 से लेकर 35 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से जाकर के आप वो पहली वीडियो देख सकते हैं। और आज की ये दूसरी वीडियो है जिसमें मैं 36 क्वेश्चन से आप लोगों को यह आंसर बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर 36 नंबर सवाल है, 360 के कितने भाजक संभव हैं? 6, 12, 24 या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है सी, 24। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 37 नंबर प्रश्न है, इनमें से असत्य कथन को चुनें। रूढ़ संख्याएं अनंत हैं, रूढ़ संख्याएं विषम संख्याएं हैं। उसके बाद इसका ऑप्शन सी है जो यहाँ पे नीचे में मिलेगा आपको। रूढ़ विषम युग्म की संख्या भी अनंत है, रूढ़ संख्याएं एक एवं स्वयं से विभाजित होती है। ये चार ऑप्शन हैं दोस्तों, बीच में मैं एक पोस्टर दिया गया है, इसकी वजह से थोड़ा सा आपको लोग डिस्टर्ब हो रहे होंगे। ये सवाल है, निम्न में से सत्य कथन को चुने। चार ऑप्शन थे, रूढ़ संख्याएं अनंत हैं, रूढ़ संख्याएं विषम संख्या है, और दो ऑप्शन और नीचे थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रूढ़ संख्या विषम संख्या है। अब 38 नंबर सवाल पर चलते हैं, ये बीच में पोस्टर की वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। 38 नंबर सवाल है, पहले सैकड़े में आया 1 से 100 तक कितने रूढ़ संख्याएं हैं? ए 26, बी 25, सी 24 या इनमें से कोई नहीं? और इसका सही आंसर है बी 25, यानी 1 से लेकर 100 तक में 25 रूढ़ संख्याएं आती हैं। निम्न में से असत्य कथन को चुनें। ए गैर समान होने योग्य संख्याएं परिणाम के रूप में प्राप्त होती है यदि परिमेय में अंश और हर में से हर के स्थान पर 3 या 7 रूढ़ भाजक विद्यमान हो। बी गैर समानते होने वाला आवर्ती संख्या एक परिमेय संख्या है, या फिर यहाँ पे एक संख्या दिया हुआ है और लिखा हुआ है कि एक परिमेय संख्या है, और डी एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे जो सी है वो सही इसका ऑप्शन है, जिसमें एक संख्या लिखा हुआ और कहा है कि यह एक परिमेय संख्या है कि नहीं। और यहाँ पर दोस्तों सी इसका सही जवाब है। उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन है, रूट 2 एवं 2 का महत्तम समापवर्त निम्न में से कौन है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, यानी ए बी सी तीनों में से कोई भी इसका सही जवाब नहीं है। रूट 2 एवं 2 का महत्तम समापवर्त इसमें से कोई भी नहीं होगा। उसके बाद आ जाते हैं 41 नंबर सवाल पे, यदि प्रस्तुत कथन की पुष्टि उसी कथन के पुनरावृत्ति के उपयोग से की जाए तो यह विधि किस नाम से जानी जाती है? आगमन विधि, निगमन विधि, विरुद्ध विधि या स्वयं सिद्ध विधि? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, आगमन विधि। 42 नंबर क्वेश्चन, यदि प्रस्तुत कथन का उपयोग उसकी स्थिति हेतु ना करके एक निश्चित क्रम में पुष्ट एवं सिद्ध तर्कों के उपयोग से कथन या उक्त निष्कर्ष पर पहुंचना कौन सी विधि है? और इसका ऑप्शन है ए विरुद्ध विधि, बी आगमन विधि, सी निगमन विधि या डी स्वयं सिद्ध विधि? और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, निगमन विधि। और यहाँ पर दोस्तों 43 नंबर जो क्वेश्चन है वो काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, तो क्वेश्चंस को मैं ना पढ़ करके बल्कि इसका सीधा आंसर आप लोगों को बता देता हूँ। ये 43 नंबर क्वेश्चन है जिसको पढ़ने में कम से कम 2-3 मिनट लग जाएंगे, तो वीडियो लंबी होगी। इसका सही आंसर जो दोस्तों है वो ये है डी, गणित तर्कपूर्ण कथनों के निश्चित क्रम में रखकर एक सुस्पष्ट एवं विशुद्ध निष्कर्ष पर पहुँचना। वो क्वेश्चन आप पढ़ लेना, वीडियो को पॉज करके ही पढ़ सकते हैं और पीडीएफ फाइल में ही पढ़ सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 44 नंबर, रोमिता का यह कार्य कौन सी श्रेणी में आएगा? ये दोस्तों रोमिता कौन है? तो रोमिता आप जब 504 का पीडीएफ फाइल पढ़ेंगे जो एनआईवीएस ने हमें दिया है, तो ये उसी में से एक पार्ट है, उसमें से एक पार्ट से क्वेश्चन लिया गया है। और इसका सही ऑप्शन है गणितीय चिंतन, यानी रोमिता का यह कार्य उसका कार्य कुछ में है दोस्तों, आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा आपको। उसका सही ऑप्शन है गणितीय, यहाँ है दोस्तों गणितीय चिंतन। उसके बाद 45 नंबर सवाल में है, रोमिता द्वारा अपने निष्कर्ष में पहुंचने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया गया है? आगमन विधि, निगमन विधि, विरुद्ध विधि या इनमें से कोई नहीं? और इसका सही ऑप्शन है बी, निगमन विधि। उसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन है, रोमिता का चिंतन
चिंतन क्या था, गणितीय नहीं था या गणितीय था, काल्पनिक था या इनमें से कोई नहीं? और इसका सही ऑप्शन है बी, गणितीय था, यानी रोमिता का जो चिंतन था वो गणितीय था। उसके बाद आ जाते हैं 47 नंबर सवाल पे। रोहन के द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंचने की कौन सी विधि का उपयोग किया गया है, आगमन विधि, निगमन विधि, ज्यामितिक विधि या इनमें से कोई नहीं? और इसका सही आंसर है बी, निगमन विधि। ये सब उसी चैप्टर से क्वेश्चन लिए गए हैं, रोहन और रोमिता ये सब उसी चैप्टर से हैं। 48 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। रोहन के द्वारा उन पैटर्न पर्यवेक्षण क्या था, रोहन के द्वारा वो पैटर्न जो पर्यवेक्षण था वो कौन सा था? इसमें चार ऑप्शन में से बताना है, गणितीय क्रियाकलाप, गैर गणितीय क्रिया, खेल की क्रिया, एक साथ रहने की क्रिया। और इसका सही ऑप्शन है गणितीय क्रियाकलाप। उसके बाद 49 नंबर सवाल, रोहन का निष्कर्ष ठोस एवं संस्वयी या इस निष्कर्ष में गणित की कौन सी प्रकृति परिलिखित होती है? दोस्तों जब ये क्वेश्चन आया था स्वयं पे तो उसमें बहुत सारे हिंदी में जो है सेंटेंस और कहीं कहीं पे वर्ड बहुत गलती थे। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं संस्वयी, इस तरह के बहुत सारी गलतियाँ थी, तो उसको PDF कन्वर्ट करने में काफ़ी मुश्किल हुए हैं, लेकिन क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन है अवबोधन, सटीकता, निरूपण, संशय निवारण। इसका सही आंसर है बी, सटीकता। उसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन में सही कथन का चुनाव करें। आगमन विधि एक कमजोर प्रविधि है क्योंकि यह निष्कर्ष को सीधे संश्लेषित नहीं किया जाता है। आगमन विधि का उपयोग गणित में कहीं भी किया जा सकता है। आगमन विधि का उपयोग पूर्ण संख्याओं से जुड़े विशिष्ट कथनों में ही संभव है या इनमें से कोई नहीं? और इसका सही ऑप्शन है सी, आगमन विधि का उपयोग पूर्ण संख्याओं से जुड़े विशिष्ट कथनों में ही संभव है। 51 नंबर सवाल है, किसी निष्कर्ष की प्राप्ति में कौन से आंकड़े तुलनात्मक रूप से ज़्यादा उपयोगी हैं, यथा प्राप्त आंकड़ा, प्राथमिक आंकड़ा, गौण आंकड़ा या वर्गीकृत आंकड़ा? सही आंसर है डी, वर्गीकृत आंकड़ा। निम्न में से असत्य कथन को चुने, यथा प्राप्त आंकड़े अव्यवस्थित आंकड़े हैं, बी, यदि विद्यार्थी स्रोत से स्वयं आंकड़ों को अपने उद्देश्य के लिए संग्रहित करता है तो उसे प्राथमिक आंकड़ा कहा जाता है, या ऑप्शन सी, यदि विद्यार्थी किसी अन्य साधन से अन्य उद्देश्य के लिए संग्रहित किए गए आंकड़ों को अपने उद्देश्य के लिए उपयोग करता है तो उसे गौण आंकड़ा कहते हैं, या फिर ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। और इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है, यानी इनमें से कोई नहीं, ये इसका सही ऑप्शन है। उसके बाद 53 नंबर सवाल है, किसी बंटन सारणी के वर्ग चिन्ह निम्न दिए गए हैं, यानी 15, 20, 25 है, तो वर्ग चिन्ह 20 से संबंधित सही वर्ग को चुने, जो 20 है वो किस वर्ग में आएगा? तो इसका सही ऑप्शन है बी, 17.5 से 21.5। उसके बाद 54 नंबर सवाल है, 25 प्रेक्षणों का माध्य 36 है, उनमें से प्रथम 13 प्रेक्षणों का माध्य 40 है, तो 13वां प्रेक्षण को ज्ञात करें। दोस्तों आपने अगर मेन मीडियन मोड पढ़ा है, बाद माध्यिका बहुलक, तो इसका आंसर आप बता सकते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी 36 इसका जवाब आएगा। उसके बाद 54 के बाद 55 नंबर पर आ जाते हैं, सटल बंटन सारणी के लिए बारंबारता बहुभुज को आरेखित करने में नियामक के रूप में कोरी के स्थान पर संबंधित क्रम की बारंबारता एवं भुज के स्थान पर निम्न में से सही पद का चुनाव करें, ए, वर्ग की अधिकतम सीमा, बी, वर्ग की न्यूनतम सीमा, सी, वर्ग का वर्ग चिन्ह, या डी, पिछले वर्ग की अधिकतम सीमा। और इसका सही ऑप्शन है सी, वर्ग का वर्ग चिन्ह। उसके बाद 56 नंबर सवाल में है, इन आंकड़ों का मध्यक ज्ञात करें। दोस्तों यहाँ पे आंकड़े दिए गए हैं जिसमें 78, 56, 22, 34, 45, 54, 39, 68, 54, 84 है, और पूछा जा रहा है कि इन आंकड़ों का मध्यक ज्ञात करें, इसका मध्यक क्या होगा? तो इसमें चार ऑप्शन है और सही ऑप्शन है सी, यानी 54। इसमें जो है दोस्तों वो 54 इसका मध्यक है, इसको हम लोग एवरेज कह सकते हैं, औसत। उसके बाद 57 नंबर सवाल पे हम लोग आ जाते हैं, इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है। यहाँ पर दोस्तों 15, 14, 19, 20, 14, 15, 18, 14, 19, 15, इसमें हम लोगों को बहुलक ज्ञात करना है। यहाँ इसका जो सही ऑप्शन है वो 15 है, यहाँ 15 के बाद नीचे और भी दो संख्या है दोस्तों, 17 और 15, तो इसमें सबसे ज़्यादा संख्या जो है वो 15 का है, 15 एक, दो, तीन, चार बार है 15, इसीलिए इसका बहुलक 15 हो गया। उसके बाद 58 नंबर सवाल है, विचलन के सभी मानकों में सर्वाधिक अस्थायी तथा सही विचलन कौन है, मानक विचलन, प्रसारण आयर्त वर्ग विचलन, मध्य औसत विचलन, या अंत चतुर्क परिसर? इसका सही ऑप्शन है ए, मानक विचलन। उसके बाद 58 नंबर सवाल है, अलजेब्रा जो हम लोग मैथ पढ़ते हैं उसमें अलजेब्रा होता है, वो किस भाषा से लिया गया शब्द है, अंग्रेजी, बी, फारसी, सी, अरबी, या डी, हिंदी? और इसका सही ऑप्शन है सी, अरबी। जो हम लोग को मैथ में अलजेब्रा है दोस्तों, वो वर्ड जो है वो अरबी से लिया गया है। उसके बाद यहाँ पे 59 नंबर सवाल है जो बीजगणित से है, अगर आप बीजगणित जानते हैं और आपने गुणनफल इस तरह का किया है तो आपसे ये क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। यहाँ पे
दो क्वेश्चन यहाँ पे, दो जो है इक्वेशन दिए हुए हैं यहाँ पे, दोनों का गुणनफल निकालना है ए और बी, इसको मान चलते हैं। यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ है, एक तरफ ये लिखा हुआ है, दूसरी तरफ ये बीजगणित से सवाल लिया गया है और इसका गुणनफल करना है दोस्तों। तो दोनों का गुणनफल जो है यहाँ पे ए में है, इसका जो है दोस्तों आप गुणनफल करके देख लेना, अगर ये आंसर गलत होगा तो कमेंट में ज़रूर बताना कि इसका आंसर गलत आया है। तो यहाँ पे दोनों का गुणनफल कर लेना है, आपके स्क्रीन पर देख सकती हैं क्वेश्चन दिया हुआ है। उसके बाद हम लोग आते हैं 60 नंबर सवाल पे। 60 नंबर सवाल में लिखा हुआ है दोस्तों, निम्न में से कौन किसी समीकरण के लिए सही नहीं है, निम्न में से कौन किसी समीकरण के लिए सही नहीं है। समान संख्या का समीकरण के दोनों ओर जोड़ा जाए, उसके बाद बी समान संख्या की समीकरण के दोनों ओर से घटाया जाए, समान गैर शून्य संख्या समीकरण के दोनों ओर गुणा किया जाए, या समीकरण के दोनों ओर समान संख्या से भाग दिया जाए। पूछ रहा है कि निम्न में से कौन किसी समीकरण के लिए सही नहीं है। यहाँ इसका सही आंसर है समीकरण के दोनों ओर समान संख्या से भाग दिया जाए, ये सही नहीं है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो है थोड़ा सा मुझे डाउट हो रहा है, निम्न में से कौन किसी समीकरण के लिए सही नहीं है। तो आपको क्या लगता है ये आंसर कितना सही है? ये स्वयं एमसीक्यू टेस्ट के थे और उसी से आंसर ये भी लिए गए हैं। तो इसका जो सही आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, समीकरण के दोनों ओर समान संख्या से भाग दिया जाए, ये सही है या नहीं, आपको क्या लगता है इस क्वेश्चन के बारे में? मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है, तो आप भी अपना कमेंट में ज़रूर बताएं कि यहाँ पे ये सही है या नहीं। बाकी क्वेश्चन सब ठीक हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्न में से किस समीकरण के लिए पूर्णांक हल नहीं है, निम्न में से किस समीकरण के लिए पूर्णांक हल नहीं है। यहाँ पे है फाइव, यहाँ पे हिंदी में ही बोलूँगा, 5y-3 = -18 है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों 3, इसको x मानना है, यहाँ पे x है -9, उसके बाद बराबर और 0, ये बी ऑप्शन में हो गया। उसके बाद सी में है 3z + 8 = 3z, यहाँ पे इसका सही ऑप्शन जो है वो सी ही है, यानी 3z + 8 = 3z, ये सही है, जिसका पूर्णांक हल नहीं है। इस समीकरण के लिए पूर्णांक हल नहीं होगा, बाकी सबके लिए पूर्णांक हल हो सकता है। उसके बाद नीचे आते हैं 62 नंबर सवाल पे, यदि 43m = 0.086 तो m का मान ज्ञात करें। यहाँ पे दोस्तों 43m बराबर इतना है, तो बोल रहा है कि m का मान क्या होगा। तो आप अगर ये क्वेश्चन आप थोड़ा बहुत भी बेहतर जानते हो तो ये क्वेश्चन आराम से बना सकते हैं। m का मान निकालना दोस्तों, जब हम 43 को डिवाइड के इधर इक्वल टू के इधर ले जाएंगे तो ये 43 जो है वो भाग में हो जाता है, उसके बाद इसको हम लोग गुना करके भाग करके देख लेंगे तो ये ऑप्शन आता है, यानी 0.002 आएगा, यानी 0.086। उसके बाद इसमें 43 से डिवाइड कर देना है, क्योंकि m इधर मल्टीप्लाई में है, तो जब इसमें m अलग होगा तो ये इधर डिवाइड में आ जाएगा। और उसके बाद जब हम लोग 0.086 में 43 से भाग करेंगे तो ऑप्शन ए में जो है वही आएगा। आपका कितना आ रहा है भाग करके देखें, उसके बाद कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपका कितना आया, आपने सही बनाया या गलत बनाया, इतना आ रहा है या नहीं आया है। उसके बाद 63 नंबर सवाल, कि समीकरण के किसी और दूसरे चिन्ह को बदलकर किसी पद को भेजने की क्रिया निम्न में से कौन कौन सी क्रिया है? ऑप्शन ए क्रम विनिमेयता, ऑप्शन बी स्थानांतरता, सी वितरण या सहचार्यता। दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि जब हम लोग समीकरण वाले मैथ बनाते हैं तो उसमें जो है चिन्ह को बदल करके किसी पद को भेजते हैं एक तरफ से दूसरे तरफ, तो वो क्रिया कौन सी क्रिया कहलाती है, उसका नाम यहाँ पर बताना है, जिसका सही जवाब है बी स्थानांतरता। उसके बाद अगला सवाल है 64, कि 2 अंकों वाली संख्या में इकाई के स्थान पर बी है एवं ढाई म्यान पर इकाई स्थान वाली संख्या से 3 अधिक है, सही संख्या को चुनें। इसका ऑप्शन है ए 11+B = 30, ये इसका सही जवाब है। उसके बाद 65 नंबर सवाल है, कि किसी पूर्णांक क्यू के लिए विषम संख्या निम्न में से किस रूप में पाए जाते हैं? ए में है क्यू, बी में q+1, सी में है 2q और डी में है 2q+1, यानी q+1, 2q या 2q+1, इसमें से कौन सा सही जवाब है? सवाल एक बार फिर से देख लीजिए, किसी पूर्णांक क्यू के लिए विषम संख्या निम्न में से किस रूप में पाए जाते हैं? सही ऑप्शन है डी 2q+1। तो दोस्तों अभी तक इसमें हम लोगों ने 65 क्वेश्चन पढ़ लिए। इसके अलावा मैं आप लोगों को और ऑब्जेक्टिव गेस क्वेश्चन दूंगा 504 के।